हाय गाइस, अभी 11:35 हो रहा है और मार्केट ने आज एक निगेटिव ओपनिंग दी थी। गैप डाउन तो नहीं थी, बट जैसे ही ओपन हुआ नीचे आया था मार्केट। और ये जो एक लेवल मार्क था 22854, यहाँ से उसने एक बाउंस लिया है। बट ये जो लेवल है 23,000, फिलहाल 23,000 बहुत एक की पॉइंट है, की लेवल है बैंक निफ्टी में, जिसमें काफ़ी सारे बुल्स एंड बियर्स की फाइट चल रही है। अगर आप ओआई भी देखो उसका, अगर ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाऊँ, एक सेकंड, आई विल पुल दिस। ये ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट अभी 23,000 पे तकरीबन बुल्स का भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना बियर्स का है। तो एक फाइट चल रही है बैंक निफ्टी में और इसीलिए कोई क्लियर डायरेक्शन एज सच अभी नहीं आई है। सो मैंने जस्ट थोड़े से पुट और कॉल ही शॉर्ट किया है सुबह से, क्योंकि डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। तो मैंने 23,500 के कॉल शॉर्ट किए हैं अराउंड एट 167, और 22,600 का पुट शॉर्ट किए हैं अराउंड 186। ये पोजीशन मैंने सुबह ही मेरे प्रो ट्रेडर्स के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट कर दी थी। तो लेट्स सी। और जिस पोजिशनल कॉल और पुट के स्प्रेड को मैंने पिछली मेरे वीडियो में दिखाया था, फिलहाल ये चल रहा है, उसकी ये पोजीशन है। अभी भी मैंने बुक नहीं किया है और अभी देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल उसमें 17,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जो 2,400 का कॉल मैंने 114 को शॉर्ट किया था, अभी 60 रुपीज़ चल रहा है ऑलमोस्ट। और उसके अगेंस्ट जो मैंने 24,700 का कॉल है जो 43 को शॉर्ट किया था, वो 17 रुपीज़ चल रहा है। तो ये कॉल की साइड है। और पुट में 2,200 का जो पुट है वो 160 को शॉर्ट किया था, अभी 63 चल रहा है। और उसके अगेंस्ट मैंने जो लिया था 21,500 का पुट, ये मैंने 90 को शॉर्ट किया था, सॉरी लॉन्ग किया था, और ये 26 का चल रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल पोजीशन चल रही है और सुबह से ये भी पोजीशन चल रही है। एज सच कोई भी क्लियर ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने फ्यूचर में अभी काम किया नहीं है सुबह से। अभी भी वही हो रहा है कि 23,000 को बैंक निफ्टी स्ट्रगल ही कर रहा है। और अगर निफ्टी की मैं बात करूं ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगेन जिन लोगों के पास मेरी प्रीवियस लेवल्स मैंने दिया था वो होगा तो पता होगा आपको कि 11,259 को मैंने एक लेवल मार्क करी थी निफ्टी में। वहीं से निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके फिर से यू टर्न लिया है। बट यही है कि 11,353 अगेन एक रेजिस्टेंस है और फिलहाल उसी रेजिस्टेंस को लेके वो नीचे आ रहा है। मार्केट चॉपी है, कोई भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं ले रहे फिलहाल। सो लेट्स सी अभी आगे कैसा जाता है मार्केट। ओके गाइस, अभी 12:29 हो रहे हैं और मार्केट अभी भी डायरेक्शन लेस ही है, काइंड ऑफ चॉपी है। इस लेवल से निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लिया है 11,353 से, यहाँ पे जो एक सपोर्ट है 11,320 के आसपास, यहाँ पे अभी ब्रीच भी नहीं कर रहा है ये लेवल और एक चॉपी मोड में चला गया है। सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ से उसने रेजिस्टेंस जो लिया है विच इज़ 23,000 से, तो अभी इस लेवल को तो टच करेगा ऐसा लग रहा है, विच इज़ 22854। तो एक बार ये लेवल हो सकता है कि ये टच करे, यहाँ तक आ जाए। जहाँ तक मैंने जो कॉल और पुट का स्प्रेड था मेरा, जो ये 24,000 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था उसको मैं बुक करके सिर्फ 24,000 के कॉल को 23,800 से कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट बुकिंग दिस। तो यहाँ पे 20,867 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है और जो 23,800 का कॉल है मैं उसको शॉर्ट कर रही हूँ। आई एम मेंटेनिंग द सेम क्वांटिटी। फाइन, तो ये बुक हो चुका है और ये मैंने अभी शॉर्ट किया है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली एडजस्टमेंट आई हैव डन सो फार इन दिस पोजिशनल स्प्रेड।
ओके गाइस, अभी 116 हुआ है और मुझे एक सेटअप एक्साइट इंडस्ट्रीज में दिखा है। बेसिकली सुबह से वॉल्यूम भी अच्छा है एक्साइट इंडस्ट्री में, और ये काफ़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद एक यहाँ पे सेटअप उसने बनाया है, टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स विथ ऑल द आरएसआई अबाउ 80। तो इस कैंडल के हाई पे मैंने बाय किया है और तकरीबन 160 तक का मैं सोच रही हूँ इस पर एसएल लगाऊँ। 160.50 का मैं एसएल लगाने की सोच रही हूँ अराउंड दिस लेवल। तो लेट्स सी, अभी मैंने इक्विटी में ही बाय किया है ये एक्साइड इंडस्ट्रीज 162.30 का, देखते कैसा जाता है। इसका मैं एसएल लगा देती हूँ 160.30 का, 2 रुपये नीचे लगा दिया है। अभी मार्केट फ़िलहाल चौपी है, डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, इसलिए अभी मैंने बस इक्विटी में ही उसमें थोड़ा सा ले लिया है 160.30। ओके 125, और ये एक सेटअप बना है निफ्टी में। अगेन इट्स माय सेटअप, टू कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स और जिसका आरएसआई अबाउ 80 है। तो ये जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रीच किया था तो मैंने एक पोजीशन निफ्टी के पुट में भी बनाई थी। 11,200 का पुट मैंने शॉर्ट किया है निफ्टी का, तो अब देखते कैसा जाता है। फिलहाल तो ये नीचे आ रहा है निफ्टी, और फिर से वो यहाँ तक गया, यहीं से उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार ही ये लेवल टेस्ट करेगा। एक अप मूव अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी में। ओके गाइस, अभी बज रहे हैं 14:11 और निफ्टी ने एक ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था, और जिस तरह से वो कंसोलिडेट हो रहा था दिन भर से, ऐसा लग रहा था कि एक साइड जाएगा ही, और ये ऊपर की साइड बिल्कुल उसने ब्रेकआउट दिया है जिसका इंडिकेशन यहाँ से मिल गया था। और इसीलिए जो मैंने ये जो पुट शॉर्ट किया था, 11,200 का पुट शॉर्ट किया था। तो अभी देखते हैं कैसा जाता है अभी मार्केट। अभी मैंने एक 11,400 का भी कॉल शॉर्ट कर दिया है 67 को। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, पर्टिकुलर 11,353 ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अच्छा खासा फिर से उसने रेजिस्टेंस लिया है। ट्राई बहुत कर रहा है इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करने की, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं पा रहा है। सो आई एम वेटिंग फॉर वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। बेसिकली बैंक निफ्टी में भी ये जो रेजिस्टेंस है विच इज़ 23,000, वो अभी भी उतना ही बरकरार है और बिल्कुल इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से। इस मार्केट में सडन ये फॉल आ गया है, अब इसको रेजिस्टेंस ले लिया है और फॉल आ गया है। अब फिर से इसी सपोर्ट लेवल पे आया है, अब ये देखना है कि ये सपोर्ट लेवल पे रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से एक बाइंग आ सकती है। सो ये 15 मिनट्स के बाद समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये वाला जो लेवल है वो ब्रीच कर रहा है। ये लेवल है जो 11,317 के आसपास का लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच कर रहा है और आरएसआई भी नीचे है। तो अभी भी कैंडल ख़त्म नहीं हुई है, 12 मिनट्स बचे हैं। जहाँ तक मेरी पोजीशंस की बात है, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, 11,200 के पुट में प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और एक्साइड इंडस्ट्री अभी भी चल रहा है और बाकी ये पोजीशंस चल रही है फिलहाल। पर जो ये निफ्टी का ट्रायंगल बना था, ये उसने यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर अब नीचे गया है वो। ओके गाइस, अभी बज रहा है 2:51 एंड एज यू कैन सी यहाँ पे 23,500 और 23,000 को अभी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। सो जो मैंने 23,600 आई गेस 23,800 को मैंने रोल डाउन किया था, या 23,800 को जो रोल डाउन किया था, मैं अभी उसको 23,600 में रोल डाउन करने की सोच रही हूँ। सो आई एम जस्ट बुकिंग दिस स्क्वायर ऑफ मार्केट। ऑल राइट, तो मैंने
23600 को मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया है अराउंड 78 और समथिंग। सो गाइस, इस पर्टिकुलर स्प्रेड में मैंने ये दो बुक करे हैं पोजीशन, 24000 का कॉल और 23800 का कॉल। सो ये मोटा मोटा 30000 का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है और 23600 का कॉल मैंने इसके अगेंस्ट शॉर्ट कर दिया है। तो ये स्प्रेड अभी भी ऑन है। मार्केट में जितने ज़ोर से नीचे बैंक निफ्टी निफ्टी गया था, उतना ही अगेन यू टर्न लेके ऊपर जा रहा है। और जहाँ तक मेरे यहाँ पे इंट्राडे की बात है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ जो था मैंने तकरीबन 1400 के लॉस में निकाल दिया है और इधर मोटा मोटा 5000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। सो गाइस, आज का दिन काफ़ी बोरिंग था। डू लेट मी नो आज का आपका दिन कैसा था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। बाय एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड।